हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, डीडीए द्वारा कई वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसका ऑफिशियल सिलेबस जो है रिलीज कर दिया गया है और इसको डाउनलोड कैसे करना है इसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन इससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट जॉब का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बात करते हैं सिलेबस के बारे में डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। अगर बात करें डेप्यूटी डायरेक्टर सिस्टम, डेप्यूटी डायरेक्टर प्लानिंग और असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग तथा असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, तो इनका जो है एग्जाम पैटर्न सेम होगा, जिसमें जो है क्वेश्चन पेपर 2 घंटे का होगा, जिसमें टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 120 नंबर के होंगे। और पेपर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप होगा, जिसमें आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं प्लानिंग असिस्टेंट, एसओ हॉर्टिकल्चर, आर्किटेक्चर असिस्टेंट सर्वेयर की, तो इसमें जो है सिंगल स्टेज ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपसे 2 घंटे का पेपर होगा और 120 नंबर के 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। पेपर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपसे रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की, तो इसमें सिंगल स्टेज ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और स्किल टेस्ट होगा आपका, जिसमें आपसे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 50 नंबर के होंगे। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 नंबर के होंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज तथा कंप्रेंशन से 100 क्वेश्चन होंगे, जो कि 100 नंबर के होंगे। ये पेपर आपका 2 घंटे का होगा। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, इसमें आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, जिसमें आपको 10 मिनट दिया जाएंगे और 10 मिनट आपको हिंदी के लिए दिए जाएंगे, जिसमें आपकी स्पीड जो है स्टेनोग्राफी की 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और आपके जो ट्रांसक्रिप्शन टाइमिंग है 50 मिनट इंग्लिश में और 65 मिनट हिंदी में होनी चाहिए। अगर पटवारी की बात करें तो यहाँ पर 2 स्टेज ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। स्टेज 1 में आपका प्री एग्जाम, जिसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रेशन तथा बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, इन सबसे 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 नंबर के होंगे, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। सेकेंड स्टेज जो है आपका मेन एग्जामिनेशन होगा, इसमें आपसे जनरल अवेयरनेस जो कि दिल्ली पे बेस्ड होगी, तथा जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी और अर्थमेटिकल तथा न्यूमेरिकल एबिलिटी तथा इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रेशन और हिंदी और उर्दू लैंग्वेज और कंप्रेशन तथा बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेंस के एग्जाम में आपसे 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 नंबर के होंगे, इसमें आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। वहीं पर अगर जूनियर सेक्रेटरियट असिस्टेंट की बात करें तो इसमें 2 स्टेज ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा। जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे उन लोगों का टाइपिंग टेस्ट होगा। स्टेज 1 में आपसे जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी और इंग्लिश लैंग्वेज तथा कंप्रेंशन से 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 120 नंबर के होंगे, इसके लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। वहीं पर स्टेज 2 में आपसे कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके लिए आपको 50 मिनट का टाइम दिया जाएगा और 100 नंबर के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 2 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, जिसमें आपके पार्ट 1 में जो है कंप्यूटर फंडामेंटल सेक्शन से 10 क्वेश्चन होंगे, जो कि 2 नंबर के होंगे। पार्ट 2 आपका जो है कीबोर्ड शॉर्टकट की, इंटरनेट, इससे 10 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। वहीं पर पार्ट 3 जो है आपका एमएस वर्ड का होगा, जिसे 10 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और एमएस एक्सेल से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तथा एमएस पावर पॉइंट से जो है आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद स्टेज 3 होगा, जिसमें टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग स्पीड जो आपकी 35 वर्ड पर मिनट जो होनी चाहिए इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए, वो भी कंप्यूटर पे। अगर माली की बात करें तो इसमें सिंगल स्टेज ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ट्रेड टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। इसमें आपका क्वेश्चन पेपर 2 घंटे का होगा और 120 क्वेश्चन होंगे, जो कि 120 नंबर के होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप। इसमें आपसे रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर सीनियर लॉ ऑफिसर की बात करें तो इसमें सिंगल स्टेज ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद कैंडिडेट का जो है इंटरव्यू होगा। क्वेश्चन पेपर जो है 2 घंटे का होगा, 120 नंबर के 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। इसमें आपसे रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद लीगल असिस्टेंट की बात करें तो सिंगल स्टेज ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा,
क्वेश्चन पेपर जो है 2 घंटे का होगा, 120 नंबर के 120 क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि रीजनिंग एबिलिटी, वहीं पर मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर की बात करें तो अनरिजर्व को 40%, एससी को 30%, ओबीसी को 35% और एसटी कैंडिडेट को 30% नंबर लाने हैं। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।